हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। और इंडियन एक्सप्लोरर से मैं कविता जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है वाओ वेडनेसडे। जी हाँ, एवरी वेडनेसडे मैं अमेजन के प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आती हूँ, और इसीलिए मैंने इसे वाओ वेडनेसडे का नाम दिया है। और वाओ वेडनेसडे के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने चैनल पे दिल्ली के लोकल मार्केट और सुपरमार्केट जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस मार्ट, रिलायंस ट्रेड, H&M, जारा, ऐसे जितने भी सुपरमार्केट्स हैं वहाँ के अपडेट एंड रिव्यू लाती रहती हूँ। जो भी ऑफर जहाँ रहता है समय रहते आपको बताती रहती हूँ। और एवरी वेडनेसडे मैं अमेजॉन का प्रोडक्ट का रिव्यू लाती हूँ, और इस वेडनेसडे के अमेजॉन के रिव्यू को मैंने वाओ वेडनेसडे का नाम दिया है। तो इस वाओ वेडनेसडे की श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ फिटेड बेडशीट का रिव्यू। ये है मेरे पास जो मैंने अमेजॉन से मंगाया है। एक्चुअली मैं फिटेड बेडशीट ही यूज़ करती हूँ, दूसरा बेडशीट मुझे पसंद नहीं आता। और अगर आप फिटेड बेडशीट के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ कि फिटेड बेडशीट में साइड्स में इलास्टिक लगा होता है जिससे कि वो अच्छे से बेड में फिट बैठ जाता है। उसके बाद आप कितना भी बेड पे खेलो, कूदो, बैठो तो बेड ख़राब नहीं होता, हमेशा सेट रहता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिटेड बेडशीट ही आपको लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने फिटेड बेडशीट को होम्सॉप 18 में देखा था, वहाँ से मंगवाया था, और तब से मैं फिटेड बेडशीट की फ़ैन हूँ। और मुझे और कोई बेडशीट जमता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरा बेडशीट लाती हूँ तो मुझे दिन में 3 से 4 बार बेड को ही सेट करना पड़ता है। बट अगर फिटेड बेडशीट है तो एक बार आप सेट कर दो तो हफ्तों तक वो वैसा ही रहता है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उसको डस्टिंग करना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है उससे। रिसेंटली मैंने अमेजोन से 2 फिटेड बेडशीट मंगवाया है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ फिटेड बेडशीट कैसा होता है, वो देख सकते हो आप। इस तरह से ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक लगी होती है, और ये जो गद्दे का साइज है, जो गद्दे की चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग ये इतना नीचे जाके और अंदर चला जाता है और अच्छे से सेट बैठ जाता है। इसमें चारों तरफ से ये इलास्टिक दी गई है, और हर कॉर्नर में कॉर्नर टाइप से बना हुआ होता है। हर कॉर्नर में बैक साइड में इस तरह से थोड़ी सी सिलाई कर दी जाती है, इसके कारण वो गद्दे में अच्छे से फिट बैठ जाती है इस तरह से, और चारों तरफ ये लगा होता है। और ये बेडशीट मैंने क्वीन साइज मंगवाया था, वैसे वहाँ पर किंग साइज भी अवेलेबल है। और इसके साथ 2 पिलो कवर दिया जाता है, पिलो कवर भी मीडियम साइज है, बहुत बड़ा वाला जो तकिया होता है उसमें नहीं आएगा, पर मीडियम साइज है इस तरह का। तो चलिए मैं इसको बिछा के बताती हूँ कि कैसा लगता है बिछने के बाद। इसमें से कोई भी बेडशीट अगर आपको चाहिए तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको अमेजॉन के वेबसाइट पे सीधे इस प्रोडक्ट तक लेके जाएगी। आई होप ये रिव्यू आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये बेडशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।